अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बनाया यहाँ पर ज़बरदस्त सा क्रिस्पी फ्राई ब्रोस्ट, और 3 लेयर्स में हमने ये चिकन बनाया है, तो बहुत अमेजिंग बनता है। लेट्स गो टू द रेसिपी। जी जनाब, ये आ गया फर्स्ट स्टेप जिसमें हम चिकन मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 kg के करीब चिकन लिया है, बोनलेस लिया है। आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं, या हमने ब्रेस्ट पीस लिए हैं, उसको 2 कट करवा लिए, जैसे 1 के 2 पीसेस करवा लिए, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर हमने ड्राइस के स्पाइसेस डालने हैं इसमें। तो उसमें हमारे पास है जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, इसी के साथ रेड चिल्ली पाउडर, और यह है चाट मसाला, ठीक है। सब 1 टीस्पून है, ये सब हमने इसमें लगा देना है। और अगर किसी के पास जिंजर गार्लिक का पाउडर ना हो तो वो पेस्ट डाल सकता है, बस वॉटरी ना हो ज़्यादा, ठीक है। ये हमने ऐसे लगा देना है और इसको मैरिनेट करने के लिए हमने रख देना है। अब एक बाउल लेना है, उसमें हमने डालना है मैदा 1 कप, राइस फ्लावर 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1/2 कप, ठीक है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और ये ऑरिगानो है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। हमने इसको मिक्स करा अच्छा सा और ये हमारे पास रेडी हो गया। अब हमारे पास जो मैरिनेट हो गई थी चिकन, उसको हम इस पर फर्स्ट लेयर देंगे, ठीक है, कोट करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, टैप करेंगे और निकाल देंगे। इसी तरह हम सारे चिकन के पीसेस को कर लेंगे। फर्स्ट लेयर हमारे पास ये लग गई है जो हमने मिक्सर बनाया था उसकी। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, यहाँ पर पानी लेना है, चिल वाटर लेना है, इसमें हल्के से डिप करना है, और फिर वही बैटर जो हमारे पास है उसमें डाल देना है। उसको अच्छे से प्रेस करके हमने इस पर सेकेंड लेयर लगा दें। इसी तरह हमने सारे चिकन के पीसेस पे ये लेयर सेट कर देनी है। और डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आराम से देख सकें, ठीक है। जो बैटर आपके पास यहाँ पर बच गया है, आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, अपने फ्राइज़ में, कबाब वगैरह तलने में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेप मुझे करना था, अदरवाइज़ आप ये 2 स्टेप करके भी इसको 2 लेयर्स करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। बस वही वाला पानी लेना है आपने, उसी में आपने इसको एक दफ़ा हल्का सा डिप करना है, एंड देन इस पर आपने ये क्रम्स की कोटिंग कर देनी है अच्छे से, अच्छे से प्रेस कर करके करिएगा, और ये आपके पास देखें कुछ इस तरह का आएगा। इसको आप आराम से फ्रीज़र में पैकेट्स में डाल के रख सकते हैं, जब भी आपके गेस्ट वगैरह आए आप इसको निकालें और फ्राई कर लें, ठीक है। ये देखें, अब हमने पैन रख दिया है मीडियम फ्लेम पे, आपने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, अच्छे से ताकि कुक हो जाएं ये। ये देखें जल्दी से ये रेडी हो जाएंगे, ज़बरदस्त है, ये देखें बहुत क्रिस्पी बनते हैं और एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आती है इसमें, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, ये मैंने फ्राइज बनाई थी, वही जो हमारे पास बैटर बचा हुआ था वो इस पर स्प्रिंकल करा, एंड देन ये फ्राइज बन गई है। ये देखें कुछ इसका ऐसा लुक आ रहा था, ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।